स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज के जो भी एग्जाम हुआ है 14 दिसंबर 2023 को 1 to 5 के लिए, उसके सारे आंसर्स की कुछ देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पार्ट वन। हमारे पास है लैंग्वेज का, तो डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि इंग्लिश से आ रहा है। सुटेबल आर्टिकल ए एन द से आपको फिल करना है ब्लैंक स्पेस को। फर्स्ट क्वेश्चन है आई हैव सो मेनी डैश गुड फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर है वो नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आई वॉन्ट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, ए हाउस हो, ए वेरी बिग हाउस हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गार्डन, गार्डन का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है, तो वार्डरोब इसका पार्ट नहीं है, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का कौन सा इसमें से पार्ट है, तो आपका मोर देन वन ऑफ एबव हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द सिक्स्थ लेटर इन अल्फाबेट आफ्टर जे विल बी, जे के बाद सिक्स्थ लेटर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा पी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर, इन ए जू डैश लिव इन केज, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ एबव, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, डॉटर्स डॉटर इज, डॉटर के डॉटर होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, माई सिबलिंग्स आर माई, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ब्रदर एंड सिस्टर। इस तरह से दोस्तों हमने इंग्लिश के टोटल 8 क्वेश्चंस को कर लिया है। आगे हमारे पास हिंदी लैंग्वेज आता है जिसका ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दिया इसी चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप हिंदी वहां से देख सकते हैं, और जनरल स्टडीज का जितना भी क्वेश्चन है उसे आप वहां से देख सकते हैं, तो जरूर विजिट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे हम लोग आते हैं और हमें मिलता है क्या, आगे हमारे पास उर्दू मिलता है, उर्दू का भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कृपया करके वहां से जरूर आप विजिट कर लें। आगे हम लोग आते हैं अभी बंगाली लैंग्वेज का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। हमारे पास यहाँ से 9 से क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपको दिया गया है एक रेफरेंस दिया गया है, तो हम स्क्रीन को छोटा कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छा हो, आपको क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत ना हो, और छोटा कर देते हैं स्क्रीन को। हाँ, ये रहा आपका जो भी पद्यांश है, पैसेज है, पैसेज टाइप का क्वेश्चन है ये रहा, और बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की, तो जो 9 का सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, इसका 9 का सही आंसर। आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, 9 का हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 नंबर, तो 10 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं, 11 का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, 12 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर, 13 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। आगे हम देखते हैं और हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर 14, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 15 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, 19 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 20 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास 21 है, लेकिन इससे पहले हमारा रिक्वेस्ट रहेगा आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे देखिए आपके जनरल स्टडीज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारा का हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आंसर की, तो वहां पे जाके आप देखिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी बहुत सारा हमने लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए हमसे, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है। आइए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 21 का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, 22 का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, 23 का जो सही आंसर है वो सी है। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, वन ऑफ द मोर देन वन। 25 का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 26 नंबर, 26 का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, 27 का राइट आंसर है सी। 28 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए।
28 नंबर हो गया आपका। 29 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर है ए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 का जो सही आंसर है वो है ए। इस तरह से दोस्तों हमने टोटल जो भी क्वेश्चन है उसको कर लिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और सब जो भी क्वेश्चन पेपर है आपका जनरल स्टडीज का, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, वहां से देखिए आप, मिलाइए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आपका।